धार्मिक इतिहास में जो चर्चा शुरू करेंगे वो यूनानी चिंतन से करेंगे। ये यूनानी चिंतन क्या है? एक देश है जिसे अंग्रेजी में ग्रीस कहा जाता है, और हिंदी में यूनान कहते हैं। जी हाँ, ग्रीक। ग्रीस से संबंधित जो कल्चर है उसे ग्रीक कहते हैं, और उसका नाम है ग्रीस इंग्लिश में। उसी को हम लोग हिंदी में यूनान कह देते हैं। यूनान अभी भी है, अब उसकी हालत छिन्न भिन्न है। कितने आश्चर्य की बात है, कुछ हजार साल पहले जिस देश के राजा, जिस देश के दार्शनिक दुनिया में जाने जाते थे, उसकी हालत आज बहुत गरीब है। ये पूर्वी यूरोप में पड़ता है, अब इसे कई टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां से ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, ग्रीस से, यूनान से। और यही वो जगह है जहां सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस, एनाक्सागोरस तमाम सारे चिंतक हुए। प्लेटो ने यहाँ एक विश्वविद्यालय खोला जिसे वो एकेडमी कहते थे, आपने ये सुना होगा शब्द। विश्वविद्यालय का एक छोटा रूप एकेडमी कहलाता है, जहां पर किसी एक विषय विशेष की पढ़ाई हो उसे एकेडमी कहते हैं। प्लेटो ने एक एकेडमी शुरुआत की थी और कई सौ वर्षों तक इस एकेडमी में पढ़ने के लिए लोग जाते थे। तो यह देश अभी भी है। अब इसकी हालत जैसे आप समझें बिहार, एक समय बिहार को मगध कहा जाता था, अपने राजाओं के लिए, अपने विचारकों के लिए। बौद्ध धर्म का जितना प्रचार बिहार में था कहीं नहीं, जितनी खनिज संपदा बिहार में थी उतनी कहीं नहीं। जब अंग्रेजों ने रेल चलाया तो सबसे पहले उन्होंने बिहार में उसकी शुरुआत की। वहां से कोयला, लोहा, अभ्रक, कपास, नील, ये सब की खेती करते और ले जाते थे विदेश। इसीलिए वहां इतनी ज्यादा रेल पटरी बिछी हुई है, क्योंकि पहले के समय से ही वहां अंग्रेज खनन करके रेलों में भर भर करके ले जाते थे। जब देश आजाद हुआ तब भी खनन चालू रहा। ये जितने स्टील प्लांट हैं, फैक्ट्रियां हैं, कोयला चाहिए, सब वहीं से आता था। और अब वो नंगा हो गया तो उसको छोड़ दिया। ऐसी ही हालत वर्तमान में यूनान की है, लेकिन हम जिस यूनान की चर्चा कर रहे हैं वो 500 ईसा पूर्व की बात है। यहां से उठाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा यूनान पर चिंतन करेंगे, और इसके साथ साथ उसी समय भारत में जो वैदिक कल्चर था, वैदिक धर्म था, जो वैदिक ग्रंथ थे, उनकी चर्चा करेंगे। कॉपी में थोड़ी सी कुछ चीजें लिख लें। धार्मिक इतिहास, कल बताया, कुछ लिखवाया गया था ना इसके बारे में,
धार्मिक इतिहास पहला नंबर यूनानी चिंतन। यूनान पूर्वी यूरोप का एक देश है जो वर्तमान में मुख्यतया कृषि आधारित है एवं गरीब है, किंतु ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनान यूरोप की सभ्यता का जननी था, जननी मां। यूरोप की सभ्यता का जननी था, पूर्ण विराम। पहला नंबर, इसके प्रमुख विचारक, ऐसे लिखें, इसके प्रमुख विचारक इस प्रकार हैं, हेराक्लिटस, दूसरे नंबर पे सोफिस्ट, प्रोटागोरस, ये कल कुछ नाम जो लिखवाए गए थे, के बाद डालेंगे सुकरात चौथे नंबर पे, पांचवें पे प्लेटो, और छठे पर अरस्तु। ठीक है ना, अब बंद कर दें। थोड़ा हेराक्लिटस के बारे में सुने, विचार कहां से चलते हैं और कहां पहुंचते हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। हेराक्लिटस ईसा से 550 वर्ष पूर्व यूनान का एक दार्शनिक था। वो एक बात कहा करता था, वो कहता था
नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। सूरज हर दिन नया है, सभी चीजें मानो बह रही हों। तुम उसी नदी में दोबारा नहीं नहा सकते, इसका पानी हर क्षण ताजा है और नया है। ऊपर जाने का रास्ता और नीचे आने का रास्ता एक है, बस दिशा का अंतर है। पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता हो या पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता हो, रास्ता तो एक ही है, बस दिशा का अंतर हो जाता है। हेराक्लिटस कहता था कि सब कुछ आग से निकला है। कुछ लोग कहते थे सब कुछ इस धरती से जन्मा है, कुछ लोग कहते थे सब कुछ पानी से निकला है, कुछ लोग थे कहते थे हवा से निकला है, कुछ लोग कहते थे आग से निकला है। सभी तरह के लोग हुए हैं वहां के चिंतन में। एक आदमी आया, उसने कहा ये जो कुछ भी है ये सब कुछ हवा, पानी, मिट्टी और आग, इन चारों के संयोग से बनता है। ये जो विचार हैं, जो हेराक्लिटस का वचन है, इसको आगे बुद्ध ने भी लिया। तो बहुत से विचारक कहते हैं कि बुद्ध ने कुछ ऐसा खास नहीं कहा, उन्होंने हेराक्लिटस की बात को कह दिया, इसलिए हेराक्लिटस की चर्चा है। पृथ्वी या दुनिया कैसे बनी, ये हमेशा से प्रश्न रहा है। तो सबने अपने अपने ढंग से कहा, किसी ने मिट्टी, किसी ने पानी, किसी ने आग, किसी ने हवा, अलग अलग ढंग से कहा। हेराक्लिटस ने कहा जैसे आग होती है उसमें कुछ डालो और कुछ वो जल करके उड़ जाता है। आग हमेशा जलती रहती है, ये सृष्टि आगमय है, अग्निगर्भा, इसमें हमेशा आग लगी रहती है, इसी में कुछ बनता और मिटता रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आगे चल करके एक दार्शनिक ने कहा भाई मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन चारों के संयोग से जीवन निर्मित होता है। लेकिन जो हेराक्लिटस है उसकी जो एक खास बात है, वो ये कहता था कि दुनिया में सब कुछ बन रहा है, कुछ भी नहीं है जो स्थायी है और बन गया है। चीजें निर्मित हो रही हैं और चीजें बिखर रही हैं, निर्मित हो रही हैं, बिखर रही हैं। उन्होंने कहा दिन है वो रात में बदल रहा है, सर्दी है वो गर्मी में बदल रही है, शांति है वो युद्ध में परिवर्तित हो रहा है, सब कुछ एक लगातार बदल रहा है। यहां क्या है ऐसा जिसे तुम कहो कि ये स्थिर है, कुछ भी तो स्थिर नहीं दिखता है। तो अस्थिरता की बात इस आदमी के नाम जाती है, अस्थिरता, इम्परमानेंस की बात हेराक्लिटस के नाम जाती है। यहीं से लोग बुद्ध का अनात्मवाद लेते हैं, कहते हैं बुद्ध ने कहा कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ बदल रहा है। यही भाषा है, हेराक्लिटस की भाषा और बुद्ध की भाषा एक हो जाती है। मिलने की बात तो नहीं है साहेब जी, लेकिन वही मैंने कहा कि जो विचार हैं वो कैसे कैसे चलते हैं। एक यूनान का एक आदमी है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं,
और लगभग लगभग उसी समय बुद्ध भी ऐसा बोल रहे हैं। तो विचार कैसे वहां से यहां आए इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इसका कहने का आशय यह है कि विचारों की जो एक दशा होती है वो लगभग लगभग सारी दुनिया में एक जैसी होती है। ईश्वर की प्रस्थापना हिंदू धर्म में है तो ये प्रस्थापना उधर भी है। अब ईश्वर से मोह उधर भी टूटा है और ईश्वर से मोह इधर भी टूटा है। विचार लगातार रूमी के गुरु थे, उन्होंने कहा मैं अगर कुछ कहता हूं और उसका ग्राहक अगर 1000 साल बाद भी है तो मेरे वचन उस तक पहुंच जाएंगे। कितने बड़े विश्वास की बात है। मैं आज कोई बात कह रहा हूं और 1000 बरस बाद भी उसका कोई ग्राहक तैयार होता है तो मेरे वचन उस तक पहुंच जाएंगे। विचार भी घूमते हैं, विचार भी यात्रा करते हैं, व्यापारी हैं, कोई भी हो आने जाने वाला, वो सिर्फ व्यापार चीजों का व्यापार नहीं करता, उसके साथ और भी चीजें आती, विचारों का भी व्यापार होता है। तो हेराक्लितस उसी जमाने का है जिस जमाने के बुद्ध हैं। बुद्ध और हेराक्लितस की कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन बहुत से विचारक कहते हैं कि बुद्ध के कुछ वचन हेराक्लितस से मिलते हैं। हेराक्लितस कहते थे कोई नहीं है जिसने इस दुनिया को बनाया है, न किसी ईश्वर ने बनाया है और न आदमी ने बनाया है। पहले यह नहीं था, ऐसा नहीं है, आज है कल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। यह एवर लिविंग, हमेशा रहने वाला है। बस चीजें इसमें आती हैं और चली जाती हैं, ऐसा हेराक्लितस के वाक्य। वो कहता था कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। प्रकृति के लिए सब बराबर है। हां, आदमी कुछ उसमें अपने काम की मानता है उन्हें सही मानता है, जो उसके काम की नहीं होती उन्हें खराब मानता है, गलत मानता है। लेकिन चीजें प्रकृति के लिए एक जैसे हैं। जैसे दिन जरूरी है वैसे रात भी, जैसे ठंडी वैसे गर्मी भी, जैसे युद्ध वैसे शांति भी। इस प्रकार ये थोड़ी सी बातें हेराक्लितस की मैंने नोट कर ली थी। अगर रुचि हो तो इसमें से थोड़ी सी कुछ चीजें आप नोट कर सकते हैं। हेराक्लितस के वचन, हेराक्लितस के वचन, एक नंबर डाल दें, बस ऐसी करके लिखते जाएं। यह संसार नित्य गतिमान है, दूसरा नंबर इस सृष्टि को किसी ईश्वर या आदमी ने नहीं बनाया, बताएं सोमेन साहब क्या पूछ रहे हो? इस सृष्टि को किसी ईश्वर या आदमी ने नहीं बनाया,
यह हमेशा से थी, है और रहेगी। बस लोग आते जाते रहेंगे। तीन नंबर, प्रकृति के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं। दिन हो या रात, कॉमा, सर्दी हो या गर्मी, युद्ध अथवा शांति, सब कुछ चलता रहता है। अगला वाक्य क्या, चौथा नंबर है, पांचवा? आप एक ही नदी में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते। आप एक ही नदी में दो बार प्रवेश नहीं कर सकते। वह पानी आगे बढ़ गया। एक वचन है, लिख लीजिए इसको। ऑल थिंग्स आर फ्लोइंग, अर्थात सब कुछ प्रवहमान है। प्रवाह को प्रवहमान, प्रवाहमान नहीं, प्रवहमान। ये प्रवाह से बनता है, प्रवहमान।
ये जो वाक्य लिखा है अंग्रेजी में इसका ये भाव है, ऑल मतलब गणेश, ऑल माने सब। मुनीन साहब थिंग्स, थिंग्स जानते हैं चीजें, थिंग्स माने चीजें, थिंग थिंग माने चीज और थिंग्स, थिंग्स माने चीजें, बहुवचन हो गया। मुकेश आर माने हो, हैं 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 ये क्या है फ्लोइंग, फ्लो फ्लो माने बहना, फ्लोइंग बह रही हैं। संपूर्ण चीजें हैं प्रवाहमान, बहती हुई, सभी चीजें बह रही हैं पानी जैसे, पूरी सृष्टि ऐसी है। इसी का ये उनका वचन है, सब कुछ प्रवाहमान है। ये जो लिखा गया था ना यहां पर यूनानी दर्शन, ये सब ऐसी कोई चीज नहीं होती, कोई चीज दर्श यूनानी या भारतीय नहीं होती है। ये गलत वाक्य था यूनानी दर्शन, दर्शन सिर्फ दर्शन होता है, वो भारतीय अभारतीय देसी विदेशी नहीं होता है। और जिसको हम बहुत समझते हैं कि ये चीज हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारी बपौती है, ये भी झूठ है। विचार विचार हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। अभी 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी पर आएंगे तो आप देखेंगे जिन जिन विचारों के लिए आप कबीर साहब को सिर पर उठा करके रखते हैं वैसे विचार बहुतों के हैं। कबीर साहब में जो जो विचार हैं वो सारे विचार आपको दिख जाएंगे। वहां पर अमुक अमुक आदमी उसको मानते थे, एक संयोग की बात है, एक आदमी हीरा जैसे चमक गया, दूसरे रह गए वैसे ही। अब ये जो विचार हम लिख रहे हैं हेराक्लिटस के नाम पे, कोई जरूरी नहीं किसी इसी के नाम पर हो, लेकिन इसका नाम आ गया। तो विचार हमेशा पानी जैसे होते हैं। हेराक्लिटस की चर्चा इस ढंग से है कि वो कहते थे कि हर चीज क्या है प्रवाहमान है। तो दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कांस्टेंट परमानेंस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट हैं, सब कुछ नहीं बदलता है। वो जो देखने वाला है वो कहां बदलता है, वो परमानेंट है, वो तो स्थाई है। हेराक्लिटस के साथ एक आदमी इसके विरोध में खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं सब कुछ नहीं बदलता है, सब कुछ क्षणभंगुर नहीं है, कुछ है ऐसा जो स्थाई है। उसका नाम था परमेनिडीज। परमेनिडीज ने यह बात कही। अब मैं क्या करूं, नाम ही उसका ऐसा है परमेनिडीज ने यह कहा कि हर चीज परमानेंट, हर चीज फ्लोइंग नहीं है, हर चीज बदलती नहीं है, कुछ है जो स्थिर है। तो दोनों तरह की बातें आ गई, कुछ शाश्वत बातें, कुछ लोग ऐसे हैं जो शाश्वत की चर्चा करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्षणभंगुर की चर्चा करते हैं। आप इसमें लिख लें इसके आगे, परमेनिडीज ये उनका नाम है। जी परमेनिडीज से परमानेंट बन गया जी हाँ, परमेनिडीज दार्शनिक हैं। नहीं नहीं लिखवाया, बहुत सारे लोग हैं साहब, डरते डरते इतने लोगों का लिखवाया हूँ इसको लिख लिया
इसको लिख लिया जाए परमानिडीज। परमानिडीज ने लिखें, परमानिडीज ने हेराक्लिटस के क्षणभंगुरवाद का विरोध किया। उन्होंने स्थायी सत्ता की चर्चा किया है। जब सुकरात जब युवा थे तो ऐसा लिखा मिलता है कि उन्होंने परमानिडीस से साक्षात्कार किया था। परमानिडीस और सुकरात की चर्चा हुई थी, ऐसा प्लेटो ने लिखा है। अपने जवानी के दिनों में सुकरात की मुलाकात परमानिडीस से हुई थी। उस समय परमानिडीस बूढ़े थे और सुकरात युवा थे, ऐसा लिखा है। और वो परमानिडीस के बातों से बहुत प्रभावित हुए थे, ये बातें प्लेटो ने लिखा है। तो जो स्थायी सत्ता है यही सुकरात के यहाँ आत्मा आ जाता है, आत्मा हो जाता है। आत्मा है जो इस क्षणभंगुर का स्थायी दृष्टा है। तो ये बातें जो अभी परमानिडीस के साथ आ रही हैं, आगे चल करके सुकरात इसको दूर तक ले जाते हैं। पहले 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 बूढ़े हो गए थे परमानिडीस। ये जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं ये सब सुकरात के पहले के हैं। हाँ हाँ, उसी समय के हैं। इनको कंटेम्प्रेरी कहा जाता है, समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब यही नहीं होता है कि दो लोग एक ही उम्र के हों। समकालीन का अर्थ यह भी होता है कि उनमें 100 वर्षों का भी अंतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हेराक्लिटस पहले आते हैं और परमानिडीस की चर्चा बाद में है। और परमानिडीस को सुकरात से मिलते हुए बताया गया है। हाँ, कोई नहीं नहीं विचार विचार तो चलते रहते हैं, विचार तो चलते रहते हैं। जैसे हेराक्लिटस की चर्चा किया, यूनान में क्या है, यूनान में एक अच्छी बात यह थी कि वहां जितने दार्शनिक हुए हैं उनका अपना एक स्कूल होता था, स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें उनके शिष्य रहते थे और वो उनको बताते थे और समझाते थे। ये वहाँ की एक गजब की बात है। कोई भी हो, वो चाहे स्थाई मानने वाला हो या अस्थाई मानने वाला हो, उनका अपना एक स्कूल होता था, उनके अपने शिष्य शाखा होती थी, वो उनके बीच में बताते थे, सिखाते थे। तो जब मूल गुरु नहीं भी रह गया तो उनके साथ के लोग हैं जो उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं। तीसरा नाम इसमें सोफिस्ट आया होगा, सोफिस्ट लिखें। सोफिस्ट के बारे में, सोफिस्ट सोफिस्ट का अर्थ होता है प्रेमी। किसका प्रेमी?
ये सोफिस्ट का मतलब ज्ञान का प्रेमी। ये इस शब्द का अर्थ है। सोफिस्ट, सोफिस्ट मतलब ये समझ में आ रहा है। नीचे नॉलेज लिखा है, नॉलेज। सोफिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ नॉलेज। हिरेन साहब लिख लिए हैं, लिख लिए हैं अंग्रेजी वाला नीचे लिख लीजिए, इसलिए तो लिखवा रहा हूं कि कुछ अक्षर जो है लिखने का अभ्यास है, लिख लें उसको। ये बहुत सरल सरल हैं, कठिन नहीं है। ये जो अंतिम वाला शब्द है वो यहां ऊपर लिख दिया गया है, नॉलेज। गणेश हो गया। देखें, सोफिस्ट उनको कहा जाता था जो प्रोफेसर होते थे। यूनान में कुछ ऐसे लोग थे जो प्राइवेट में पढ़ाया करते थे और बदले में पढ़ाने का पैसा लिया करते थे। उनका जीवन यापन का यही धंधा हुआ करता था। और कैसा ज्ञान दिया करते थे? वह ज्ञान जो लोगों को व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी है। जैसे किसी का कोई मुकदमा फंस गया, आज के समय में किसी का कहीं मुकदमा फंसता है तो एक वकील कर लेता है। वो वहां बैठा रहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, वकील बात करेगा। यूनान में वकील नहीं होते थे, जिसका मुकदमा होता था उसे खुद बोलना पड़ता था। तो जो बोलने में कुशल होते थे वो बोल करके निकल जाते थे, और जो नहीं बोल पाते थे वो फंस जाते थे। तो ऐसे लोग सोफिस्टों को बुलाया करते थे और कहते थे हमारा ऐसा मुकदमा है, हमारी ऐसी स्थिति है। तो सोफिस्ट बताते थे उनको, देखो तुम्हें क्या क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ऐसे लोगों को सोफिस्ट कहा जाता था। इनका कोई अपना सिद्धांत नहीं होता था, जैसे वकीलों का बस एक सिद्धांत होता है, पैसा कमाना चाहिए, बस हो गया। जेल में डालना हो चाहे जेल से निकालना हो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। सोफिस्टों को सिर्फ पैसे से मतलब हुआ करता था, इनको वास्तव में ज्ञान से मतलब नहीं होता था। और ऐसे लोग काफी थे इस धंधे में, इसीलिए सुकरात की प्रशंसा है। सुकरात ज्ञान देते थे, व्यवहारिक ज्ञान भी और आत्मिक ज्ञान भी। और उन्हें जब कोई कुछ देने लगता था तो क्या कहा करते थे? मैं सोफिस्ट नहीं हूं, बस मैं सोफिस्ट नहीं हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। तो सोफिस्ट का वहां पर एक पूरा दल था, एक वर्ग था जो यह काम करता था। मैं सोफिस्ट नहीं हूं। सोफिया, सोफिया का अर्थ होता है लवर। तो किसका लवर, किसका प्रेमी? तो चूंकि इस धंधे के जो लोग थे वो ज्ञान को बेचना और खरीदना उनका काम हुआ करता था, इसलिए वो सोफिस्ट कहलाए। और
उनका जो खास नेता था वो था प्रोटागोरस। उनका जो खास नेता था वो था प्रोटागोरस जी। पाइथागोरस सबसे बड़ा नाम है, उसके बारे में मैंने लिखवाया क्या उसमें? लिखवाया है नाम, हाँ। उस समय के इतिहास में, हाँ जी, उस समय के इतिहास में सुकरात से एक ही आदमी टक्कर ले सकता था और वो था पाइथागोरस। इसलिए क्योंकि उस आदमी ने दर्शन में गणित का प्रयोग किया था और गणित जहां जाता है गणित तीर तुक्का में बात नहीं करता है, संभावना में बात नहीं करता है, गणित निश्चिंतता में, निश्चित एक्यूरेसी सर्टेनिटी में बात करता है। पाइथागोरस जिन लोगों ने गणित पढ़ी होगी सातवीं छठवीं में पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ाया जाता है, किसी को याद है? मुकेश याद है? भूल गए? किन्हीं को याद है? पाइथागोरस का प्रमेय जो है गणित में पढ़ाया जाता है। ये सीधा तो नहीं बना है लेकिन ये 90 अंश का कोण मानेगा, अगर इसको 90 अंश का, ये 3 है, ये 4 है, अगर ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस ने बताया था ये 5 होगा, ये हमेशा 5 होगा, ये पाइथागोरस का प्रमेय है, ये पढ़ाया जाता है। इस आदमी ने गणित का प्रयोग किया था दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन की अनिश्चितताओं को इन्होंने कम किया था। इनका बहुत बड़ा नाम है लेकिन चीजें बढ़ रही थी इसलिए छोड़ दिया था, इनको नहीं बताया था। सोफिस्ट में थोड़ा सा लिख लें, सोफिस्ट लोग तर्क करना सिखाते थे। वे आजकल के वकील जैसे हुआ करते थे। व्यवहारिक ज्ञान की बातों को लोगों को व्यवहारिक ज्ञान की बातों को लोगों को पैसे के बदले में बताते थे। उन्हें सद्गुण से, सद्गुण को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? वर्चू, VIRTUE, उन्हें सद्गुण से कोई लेना देना ना था।
VIRTUE, वर्चू। वर्चू माने सद्गुण। प्रोटागोरस उनका मुखिया था। उसका कहना था आदमी ही सबका नियामक है। आदमी ही सबका नियामक है। उसका एक स्टेटमेंट है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मैन आदमी, मेजर नापने वाला, मापक, ऑल थिंग्स जितना जो कुछ है, माने अच्छा नहीं कुछ भी और बुरा कुछ भी नहीं, ये आदमी पे निर्भर करता है कि वो किसे अच्छा बना दे और किसे बुरा बना दे। जो तर्क में प्रवीण हो, जो तर्क में कुशल हो, वह गलत बात को भी सही सिद्ध कर दे और सही बात को भी गलत सिद्ध कर दे। वर्तमान समय में ओशो सोफिस्ट जैसे थे, वो अपने तर्क से किसी चीज को सही चाहते सही कर देते, किसी चीज चाहते गलत कर देते। उन्हें सिर्फ धनी शिष्य चाहिए होते थे, गरीब शिष्य का क्या करेंगे वो। वर्तमान समय के वही प्रोटागोरस थे। इस प्रकार और क्या नाम है उसमें, सुकरात पर तो अब देखें कैसे सुकरात का विकास कैसे हुआ। सुकरात के समय में सुकरात ने दो चीजों पर बल दिया था। सुकरात ने अपने कथन में दो चीजों पर खास बल दिया था, एक था वर्चू सद्गुण और दूसरा था नॉलेज ज्ञान। और वर्चू और नॉलेज के संबंध पर भी उन्होंने कहा था, जो ज्ञान है जो सद्गुण है, इन दोनों के संबंध पर उन्होंने कहा था। जीवन ज्ञान संपन्न हो और जीवन सद्गुण संपन्न हो, इस पर उनका जोर था। उनके पहले के जो लोग थे वहां विचार कैसे कैसे थे ये आपने देखा, हेराक्लिटस जैसा है, परमेनिडीज जैसा है, प्रोटागोरस जैसे लोग हैं, ये लोग हैं। लेकिन सुकरात इन सबसे आगे आते हैं और सुकरात का जो नाम है, उनका जो काम है वो बड़ा है, उन पर कल थोड़ा सा लिखवा करके फिर आगे प्लेटो और अरस्तु पर थोड़ा थोड़ा कह देंगे हम लोग। मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा में आप डिस्टर्ब हो जाएं, याद ही ना रहे, लेकिन ये कुछ नाम कॉपी में लिखे रहेंगे, कभी कदार याद आ जाएंगे। ये यूनानी पढ़ लेंगे, फिर वैदिक पढ़ लेंगे और फिर जैन और बौद्ध, ये चार धार्मिक दर्शन पढ़ेंगे। और अभी तो जो पढ़ा जा चुका है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन सबको मिला करके फिर परीक्षा होगी बहुत जल्दी। जैसे ये खत्म होगा वैसी परीक्षा होगी इसकी।